यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटर, ओके। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर टू, जो कॉमर्स का हमारा पेपर नंबर टू है, उसकी यूनिट नंबर जो सिक्स है, यूनिट नंबर सिक्स बोले तो HRM मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसके 2019 से लेकर के 2021 तक जो भी MCQs आए हैं उन सबको हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के 62 MCQs हैं, ठीक है। तो अपने 2019 से लेकर के जो है वो 2021 तक जो भी पेपर हुए थे, जो सात टोटल पेपर हुए हैं, 19 के अंदर आपके दो पेपर हुए थे, 20 के अंदर आपके दो, और 21 के अंदर टोटल मिला के तीन पेपर। तो मतलब इन सात पेपर के अंदर, सात जो आपके एग्जाम्स हुए हैं पेपर नंबर टू कॉमर्स के, तो उनके अंदर जो भी क्वेश्चन जो है यूनिट सिक्स से जो पूछे गए उनको हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इससे शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी अपने इंटरनेशनल बिजनेस के, हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटेंसी के, हम लोग सॉरी अकाउंट्स बोल रहा हूँ, FM के, बिजनेस फाइनेंस के, और उसके अलावा जो है वो अपने टैक्स के, ये सब MCQs है ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके जी, और लीगल एस्पेक्ट भी हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो यूनिट नंबर सिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर कल जो है वो हम उठाएंगे अपनी इकोनॉमिक्स को, या फिर मार्केटिंग, या मार्केटिंग पहले करते हैं, उसकी 2012 से लेकर के और 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 62 क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर सिक्स के डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है प्रोमोटिंग द टीम स्पिरिट, हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रिंसिपल ऑफ, ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो फेओल के जो 14 प्रिंसिपल्स है उनके अंदर एक प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कोप्स। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमको जो है वो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, और यूनिटी होना चाहिए, तभी सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव किया जा सकता है। तो फर्स्ट का जो आंसर है इट इज अ थर्ड। आगे सेकंड बोलता है, दो स्टेटमेंट दिया गया, दो पहली स्टेटमेंट बोलती है दो क्लोजली रिलेटेड, चाहे क्लोजली रिलेटेड है, जॉब इवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम। बोलता है जॉब इवोल्यूशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो दोनों सेम नहीं है। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन है इनका, लेकिन अलग अलग है दोनों। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जॉब इवोल्यूशन जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर जॉब को इवेल्यूट करते हैं, किसी पर्सन का इवोल्यूशन नहीं करते, हम एक जॉब को इवेल्यूट करते हैं और देखते हैं कि उस जॉब के अंदर एक पर्सन को क्या करना है, उस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये सब। तो जॉब को इवेल्यूएशन करना इज अ जॉब इवेल्यूएशन, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम एक पर्सन को इवेल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोनों जो है वो अलग अलग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड बोलती है द पर्पस ऑफ जॉब इवेल्यूएशन इज टू फिक्स द रेम्युनरेशन एंड अदर रेलेवेंट बेनिफिट। बिल्कुल सही बात है, जॉब को इवेल्यूएट करके हम यही देखते हैं उस जॉब की वर्थ कितनी है, और उसकी वर्थ के बेस पर हम जो है रेम्युनरेशन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, फर्स्ट, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस, ये किसने प्रोपाउंड किया, ये तो सीधा सीधा है पोर्टल लॉयर मॉडल जो था उसके अंदर ये बात की गई थी। आगे लिस्ट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। एथिकल, एथिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो बात की जा रही है किसका, एथिक्स का। तो कौन से ऐसे एथिकल प्रिंसिपल है जो एक बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। पहला, टू टेक द नेसेसरी एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ये एथिकल भाई, ये उसको करना चाहिए, बट ये एथिकल प्रिंसिपल नहीं है। नो। अगला, पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन प्रॉपर्ली, हाँ ये एथिकल प्रिंसिपल है, हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो टाइम पर अपने टैक्सेस का और बाकी जो ड्यूटीज है उनका भुगतान करना चाहिए, ये एथिक्स बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरा, एंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, नहीं ये एथिकल प्रिंसिपल थोड़ी है, ये बोलता है कि आपको रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, बट दिस इज नॉट द एथिक्स, एथिक्स ये बात नहीं करते। फिर रिफ्रेन, आपको बचना चाहिए सीक्रेट किकबैक से और पार्टी ऑफ टू द कस्टमर सप्लायर एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ ये आपका जो एथिकल प्रिंसिपल है, आपको इन चीजों से बचना चाहिए। एंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेज, आपको ये एथिक्स बोलता है कि आप जो है हर एम्प्लॉय को क्या करेंगे, फेयर वेज या फेयर ट्रीटमेंट उसके साथ में करेंगे, ये भी एथिकल प्रिंसिपल है। तो आंसर जो आएगा फोर्थ का, रेड इज द सेकंड, बोलता है बी डी एंड ई। आगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो शो करता है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क। वो क्या है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आगे सोशल एनवायरनमेंट जो है ना जॉब का, वो अफेक्ट करता है लोगों को एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय देम, और उनसे अफेक्टेड भी होता है, जो सोशल एनवायरनमेंट है वो दोनों, वो अफेक्ट भी करता है लोगों को और उनसे अफेक्टेड भी होता है। एंड नॉट बाय मैनेजमेंट अलोन, अकेले मैनेजमेंट से, मतलब जो सोशल एनवायरनमेंट है वो अकेला जो है वो मैनेजमेंट से अफेक्टेड नहीं होता, बल्कि वो लोगों से अफेक्टेड होता है। ये मेन प्रपोजिशन जो है ये किसकी है, ये है आपका नियो क्लासिकल थ्योरी। तो नियो क्लासिकल थ्योरी जिसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बोलते हैं उसका है ये, ठीक है ना।
चलो जी आगे, एटीट्यूड बेस्ड, जो एक ऐसा एटीट्यूड जो बेस्ड है किस पे, बिलीफ पे, ओपिनियन पे, नॉलेज पे, इन्फॉर्मेशन पे, वो कौन सा होता है? वो होता है जी आपका कॉग्निटिव। ये नॉलेज आ गया ना तो आप समझ जाओगे ऐसे, कॉग्निटिव एटीट्यूड। आगे फॉलोइंग आर द इवेंट, ये वो इवेंट्स है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, ठीक है। अब इसको जो आपको क्या करेक्ट सीक्वेंस के अंदर बताना है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर जो है वो कैसे कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये बोलता है फॉलोइंग जो है ये क्या दे रखे, आपको इवेंट्स दे रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, इनको अरेंज करो। सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो कैसा, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड द एम्प्लॉय पॉलिसी जी। फिर उसके बाद में क्वालिटी ओरिएंटेशन, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग स्किल यस। इसके बाद में जो है वो क्या, डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी यस, एंड रिएक्शन टू द कंपिटिटर एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेशन यस। रोल एम्बिगुइटी ट्रेडिंग पॉलिसी, क्या इसके अंदर रोल एम्बिगुइटी आती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको ये भी ना बताओ कि आपका रोल क्या है, नो no, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो एट्थ का जो आंसर बनेगा डेट इज अ फोर्थ। आगे नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द एमबीओ प्रोग्राम फेलियर, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से एमबीओ जो है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम वो फेल नहीं होता, मतलब वो मतलब ये जो नीचे आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये दे रखे हैं कि इन ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपका एमबीओ जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, फेल हो जाता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। पहले तो एमबीओ की बात करते हैं, एमबीओ क्या, एमबीओ एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका मेन एम जो है वो क्या, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर एग्रीड टू बी बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई। तो एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही बोलता है कि जब भी डिसीजन मेकिंग की बात की जाएगी या कोई भी गोल सेटिंग की बात होगी तो आप मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉई के साथ में मिलकर गोल सेटिंग करेगा, ठीक है। अब आपको यहां पे ये बताना है कि कौन सा इसका जो है ऑब्जेक्टिव, मतलब किस वजह से आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम फेल होता है, ठीक है, और उनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वजह नहीं है, ठीक है। सबसे पहला, अल्टरिंग गोल टू मीट द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस, ये तो अच्छी बात है, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं, ये इसका जो है पॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप सर्कमस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अपने गोल को चेंज कर लेते हो तो ये तो बढ़िया चीज है, इसकी वजह से आपका एमबीओ प्रोग्राम फेल नहीं होगा। इजी गोल है, फेल हो जाएगा। लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो भी फेल हो जाएगा, और अगर अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो तो भी फेल हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, फर्स्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों रीजन है, इनकी वजह से आपका एमबीओ प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला रीजन नहीं है। आगे फंक्शन क्या है, फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर होते हैं या फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होते हैं उनके फंक्शन जो है वो बता रखे हैं। तो आपको बताना कौन कौन सा फंक्शन है। पहला, जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर होता है वो डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल क्या काम करेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये अटेंड करते हैं ग्रीवेंस एंड डिसोल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी पंगा होता है तो उसको दूर करने का काम करते हैं यस। ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल नॉलेज एंड गाइडेंस वर्कर को यस। ये सप्लाई करते हैं स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन लीड टू प्रोडक्शन कैसे करना है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, चारों, ऑल ऑफ देम, ये चारों के चारों जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन, आपका फर्स्ट लेवल या फ्रंट लाइन सुपरवाइजर। आगे माइकल पोर्टर ने प्रपोज किया जेनरिक स्ट्रेटजी जो प्रोवाइड करती है गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्ट्रेटजिक थिंकिंग, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द अबव बिलो मेंशन स्ट्रेटजी। तो आपको बताने इनमें से, तो माइकल पोर्टर की बात करें उसने चार स्ट्रेटजी जो है वो बताया था। एक था आपका कोर्स लीडरशिप, एक था डिफरेंशिएशन, एक था डिफरेंशिएशन फोकस, एक था कोर्स फोकस, ठीक है। अब यहां पर बताना है तो कौन कौन सा है आपका, पहला तीन कौन को आपको बतानी है इनमें से कि कौन सी आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कोर्स लीडरशिप, हाँ जी कोर्स लीडरशिप ये तो आती है। इनोवेशन, इनोवेशन है क्या, नहीं सर इनोवेशन का पार्ट नहीं है। फोकस, हाँ जी पार्ट है। डिफरेंशिएशन, यस पार्ट है। तो आंसर जो आएगा इलेवंथ का वो क्या, ए सी डी बोल दो, सेकेंड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी आर फाउंड इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाई जाती है, आपको ये जो है वो बताना है। पहला, डिवीजन अथॉरिटी जो है, क्या अलग अलग डिवीजन आपको जर्नी देखने को मिलते हैं, नहीं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है तो डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, नो। लाइन मिलता है, यस लाइन अथॉरिटी हमेशा मिलता है। स्टाफ, हाँ जी ये भी मिलता है। फंक्शनल, हाँ फंक्शन के बेस पर जो है डिपार्टमेंट आपको क्रिएट होते मिलेंगे, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी एंड डी। तो 12 का जो आंसर बनेगा इट इज अ 4। मैं दोबारा बोल रहा हूं डिवीजन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा हो। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अफेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ, हाँ जी ये है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, हेल्थ ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ एंड कंपटीशन लॉ। वैसे चारों के चारों लॉ जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पहला आईबीसी इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ, क्योंकि इस लॉ ये सबसे ज्यादा अफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर एक कंपनी के या एक बिजनेस के वाइंडअप का प्रोसीजर बता रखा है। इसमें बता रखा है आईबीसी के अकॉर्डिंग कि एक कंपनी को जो है वो किस तरीके से क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। आगे
व्हाट इज द टिपिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सिलेक्शन डिवाइस, जब सिलेक्शन करते हैं उसका सीक्वेंस जो आपको बताना है। देखो आपको मालूम है सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन ब्लैंक आएगा, यस। एप्लीकेशन ब्लैंक के बाद में जो है फिर क्या होगा, हम लोग जो है स्क्रीनिंग इंटरव्यू करेंगे ऊपर ऊपर से, यस। इंटरव्यू करने के बाद में जो है फिर क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, यस। टेस्ट लेने के बाद में जो है फिर क्या होगा जी, फिर टेस्ट लेने के बाद में आपका और मतलब टेस्ट अगर पास कर दिया तो मोर इंटरव्यू लेंगे, यस। मोर इंटरव्यू लेने के बाद में रेफरेंस चेक करेंगे, जिनके रेफरेंस से वो आए हैं अगर उन्होंने कोई नाम दिया, यस। फिर कंडीशनल ऑफर जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, यस। ऑफर देने के बाद में फिर क्या होगा उनका, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और लास्ट में क्या कर लेंगे, उनको हम लोग जो है वो हायर कर लेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, CGHFAEBD ये है जी आपका फर्स्ट। लो जी आगे, द इनफॉर्मल ग्रुप, एक ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, जो इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेपवाइन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मींस द टेंडेंसी ऑफ ए सुपरवाइजर टू रेट ए सबॉर्डिनेट लोअर देन, एक ऐसी टेंडेंसी जिसके अंदर मतलब ये बेसिकली जो है वो क्या है, जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ना तो ये सब जो है उसमें क्या होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की मिस्टेक्स होती हैं। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये है कि एक सुपरवाइजर की टेंडेंसी बन जाएगी कि वो सबॉर्डिनेट को जो है वो उसकी परफॉर्मेंस से हमेशा कम ही रेट करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हॉर्न इफेक्ट, ए। आगे, द थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप आर टू बी इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो ये बोलते हैं कि फॉर्मल ग्रुप के साथ में इनफॉर्मल ग्रुप भी होना चाहिए, वो थ्योरी कौन सी है, तो एक तो है ये प्रोपिंगिटी थ्योरी और एक है आपका ये बैलेंस थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी जो है ये बोलती हैं ये कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉर्मल ग्रुप है उनके साथ में इनफॉर्मल ग्रुप भी होना चाहिए। तो आंसर है इसका 17 का सेकंड। आगे, मैचिंग करना आपको पे फॉर टाइम नोट वर्क, ये क्या है जी, ये है आपका सिक लीव। सिक लीव के दौरान जो है तो भी आपको जो है तनख्वाह मिलती है, आपने काम नहीं किया तो भी। फिर सर्विस एंड परक्यूसिट्स जो है वो क्या, लो कॉस्ट मिल गया आपको, क्या परक्यूसिट्स मिल रहा है। प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात करें तो ये पेंशन अगर दे दिए तो ये आपको फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंसेंटिव प्लान की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन हो गया। डेफर्ड पेमेंट की बात करें कि पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलेगा कभी, तो ये आपका सेविंग प्लान हो गए, जो पैसा अभी सेव करोगे लेकिन मिलेगा बाद में। तो 18 का आंसर इट इज अ सेकंड। आगे, ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओरिएंटेशन का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सोशलाइजेशन होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय टू द एंटरप्राइज, जब एक एम्प्लॉय नया ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है एंगेज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसका इंडक्शन प्रोग्राम करवाते हैं और लोगों से मिलवाते हैं, उसको उसके काम से अवगत करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट डिजाइन फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो जिसको डिजाइन नहीं किया गया, किसके लिए, फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू मैनेजर के लिए, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, ये आपको नीचे बेसिकली क्या दे रखा है, ये आपको तरीके बता रहे हैं किस तरीके से आप जो है वो क्या करोगे एम्प्लॉइज को जो है वो सोशलाइज करवाओगे अपनी जॉब से। तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप उसको जॉब से सोशलाइज नहीं करवा सकते। पहला, एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एबिलिटी, हाँ जी इससे तो हम करवाएंगे, अगर उसको आप स्किल सिखा दोगे तो अपने जॉब से जो है वो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, अगर रोल समझा दोगे उसको वो क्या एडॉप्ट कर लेगा तो भी अपने जॉब से अवगत हो जाएगा। एडजस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द वर्क ग्रुप, अगर वो एडजस्ट हो जाएगा तो भी अपने ग्रुप से मतलब अपने अगर ग्रुप नॉर्म से हैं ग्रुप के जो रूल्स हैं उनसे अगर वो उनको एडजस्ट कर लेगा तो भी सोशलाइजेशन हो जाएगा। फिलिंग एक वैकेंट पोजीशन, अगर एक वैकेंट पोजीशन है उसको अगर फिल करते हो तो वो सोशलाइज नहीं होगा, पहले उसको सोशलाइज करवाना पड़ता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, फोर्थ। आगे, सेशन दे रखिए वर्कर पार्टिसिपेशन जो है ना मैनेजमेंट में, इस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्कर ओनली इन सच एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज वेयर दे कैन मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। वर्कर पार्टिसिपेशन बेसिकली ऐसे एरिया में करेंगे जहां पे उनकी वजह से जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलता है, हम वहीं पे वर्कर का पार्टिसिपेशन करते हैं, हर जगह वर्कर का पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिर बोलते हैं वर्कर मे नॉट बी कंपिटेंट एनफ, वर्कर कंपिटेंट नहीं होते टू अंडरस्टैंड एप्रिशिएट द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज, बात तो सही है लेकिन ये इसका करेक्टली जो है वो जो रीजन है वो, एक मिनट, वर्कर पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट में, वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर ओनली इन सच एरिया एक्टिविटी जहां पे वेयर एंटर वेयर दे कैन मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है वर्कर में नोट भी कंपिटेंट, ऐसा हो सकता है कि इतने कंपिटेंट ना हो कि वो अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट करे मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज को, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उनको जो है वो हर जगह पे नहीं लेके आते। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली अब सेक्शन को एक्सप्लेन भी कर दिए, तो आंसर जो है वो क्या, सेकेंड। आगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जब आप स्पैन ऑफ मैनेजमेंट करते हो वो किसके बेस पर डिटरमिन होता है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है मतलब एक
एक जो सुपीरियर उसके अंडर कितने सबोर्डिनेट होंगे, ठीक है, इसको जनरली हम बोलते हैं स्पैनो मैनेजमेंट। ठीक है, स्पैनो मैनेजमेंट जो है वो क्या, वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है मैनेजर ट्रेनिंग पे। अगर मैनेजर पूरा ट्रेंड है तो जो उस स्पैनो मैनेजमेंट ज्यादा रहेगा। मैनेजर पर्सनल क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है, लोगों से अगर वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, लोगों के साथ जुड़ सकता है, तो भी आपका स्पैनो मैनेजमेंट ज्यादा रहेगा। सबोर्डिनेट को अगर ट्रेन कर दिया तो वो अपने आप से काम कर सकते हैं, तो आप ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 21 का वो क्या, 1, 2, 3, दैट इज द सेकंड। आगे, हु कोइन द मेटाफोर इनविजिबल हैंड इन द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट, किसने ये किया था, ये दिया था एडम स्मिथ ने। आगे, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इन द लॉजिकल सीक्वेंस टू गेटिंग द थिंग्स डन। अगर आपको लोगों से काम करवाना तो आप कैसे करवाते हो, तो आपको अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद में जो है वो क्या होगा, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो आपने वो तो बना दिए, पोस्ट पोस्ट बना दी, अब आप क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे। यस, स्टाफिंग करने के बाद में जो है आप क्या डायरेक्टिंग उनको बताओगे। यस, डायरेक्टिंग करने के बाद में फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग। यस, और कोऑर्डिनेट करके जो फिर क्या होगा, कंट्रोलिंग। हमसे जो बनेगा 23 का, डेट इज अ सेकेंड। आगे, बिलीफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशन एंड द एक्सपेक्टेशन विच आर शेयर्ड बाय द ग्रुप मेंबर, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी ग्रुप नॉर्म्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इन नॉट द पार्ट ऑफ द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, मतलब इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, तो मतलब कौन सा ऑन द जॉब है। सेंसिटिव ट्रेनिंग ऑफ द जॉब होता है, ट्रांजिशन एनालिसिस ऑफ द जॉब होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द जॉब है, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप होता है ये आपका ऑन द जॉब मेथड है। थर्ड, आगे, मैचिंग करना है, एड होक टीम बना लेना, मतलब ऊपर एक बार आप टीम बनाएंगे जिसको बाद में आप डिसॉल्व भी कर सकते हो। फॉर्म टू सॉल्व द अनयूजुअल प्रॉब्लम, कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने के लिए आप एड होक टीम बनाते हो, उसको बोलते हैं टास्क फोर्स। आगे, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो सुटेबल है व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट। जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट है तो वहां पे जो है वो चलता है क्या, मैट्रिक्स करा था हमने। स्टेटस फ्री एंड हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, वो है आपका फ्री फ्लो, और डिजिटल और डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन है आपका वर्चुअल। तो 26 का बनेगा थर्ड। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिंग ए मार्केट कॉम्पिटेटिव पे प्लान इन द सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, आपको बताना है कि अरेंज करोगे इन स्टेप्स को क्या करने में, क्रिएट करने में एक मार्केट कॉम्पिटेटिव पे प्लान। एक ऐसा पे प्लान बनाओगे जो मार्केट कॉम्पिटेटिव होगा, मतलब आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़ के ना जाएं, और आपका जो पे प्लान है वो मार्केट के हिसाब से आप बनाओगे। मार्केट मतलब पे प्लान को बनाते हो, मार्केट को भी ध्यान में रखोगे, तो उसको उसके लिए आप क्या क्या करते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेंचमार्क जॉब को क्या करते हैं, चूज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कंपनसेबल फैक्टर ए। फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जो है वो क्या करोगे, अब आप जो है डिफाइन करोगे हर कंपनसेबल फैक्टर को, ठीक है, एंड डिटरमाइन करोगे इट्स डिग्री इन ईच जॉब। करने के बाद अब जो है वो आप क्या करोगे, ये कर दिया, फिर आप कंपेयर करोगे, एडजस्ट करोगे करंट एंड मार्केट वेज रेट को, कर दिया। करने के बाद अब जो है वो क्या करोगे, डेवलप करोगे पे ग्रेड, और लास्ट में एस्टेब्लिश करोगे रेट चेंज। तो आंसर जो बनेगा 27 का, डेट इज द थर्ड। आगे, हु कोइन द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म जो है वो दिया था किसने, सिडनी वेब एंड द बैट्रिक वेब ने। आगे, आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, पहले स्टेटमेंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससैटिस्फेक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सैटिस्फेक्शन। तो हर्जबर्ग ने जो है वो ये बोला कि प्रिवेंट करना, रोकना या कम करना डिससैटिस्फेक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम, वो सेम चीज नहीं है एज प्रोवाइडिंग द सैटिस्फेक्शन। बिल्कुल सही बात है, असम्पशन एकदम ओके है। फिर रीजनिंग के अंदर उसने जो है वो क्या बोला, अंडर द टू फैक्टर थ्योरी जॉब सैटिस्फेक्शन एंड डिससैटिस्फेक्शन आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जॉब वर्क मोटिवेशन के। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है, और रीजन करेक्टली असम्पशन एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि नीचे यही बोला गया टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जॉब सैटिस्फेक्शन डिससैटिस्फेक्शन दो डिफरेंट एस्पेक्ट है, और यही चीज ये बोलते हैं ऊपर वाला, ठीक है ना। तो क्या बोल, क्योंकि ऊपर भी ये बोला है कि हर्जबर्ग के हिसाब से रोकना या कम करना सैटिस्फेक्शन डिससैटिस्फेक्शन को, वर्क इज नॉट द सेम थिंग एज प्रोवाइडिंग सैटिस्फेक्शन। बिल्कुल सही बात, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 29 का फर्स्ट। आगे, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिजेक्टेड द रेबल हाइपोथेसिस बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है उसने जो है वो रेबल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक क्या आर्गुमेंट देखे। तो आर्गुमेंट उसने बेसिकली ये जो रेबल हाइपोथेसिस अप्रोच है ये दिया था एल्टन मायो ने, और उसने जो है वो क्या बोला कि लोग जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब मैन इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उसने एल्टन मायो ने ये बोला कि इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव से जो है वो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से जो है वो क्या किया गया, जो रेबल हाइपोथेसिस आर्गुमेंट था उसको रिजेक्ट किया गया। तो पहला, द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली। बिल्कुल सही बात है कि जो एक काम पर्सन है जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है वो सिर्फ पैसे के लिए जॉब नहीं करता है। आगे, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। जब भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर आपको डिसीजन लेना है कि काम कैसे करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, तो कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करेंगे क्या की फैक्टर को। यस, डिटरमाइन करने के बाद में जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। यस, फोरकास्टिंग करने के बाद में अब जो है हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे अल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट। यस,
कॉम्बिनेशन जो आगे फिर उसके बेस पर जो है फिर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे फैक्टर्स का, और लास्ट में हम लोग जो है वो प्रिपेयर करेंगे क्या, बजट। तो आंसर जो बनेगा 31 का, डेट इज अ थर्ड। आगे, व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द पर्सन व्हेन ही गेट एंग्री, जब एक पर्सन जो है वो अपने बच्चों पे या स्पाउस पे जो है वो क्या एंग्री, उसको गुस्सा आ जाए, तो फिर क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जॉब पे गए और आपका जो है वो दिन बहुत खराब गया, मतलब बैड डे था, और उस केस में गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कई बार होता है इंसान घर पे आके जो है बीवी बच्चों को मारना शुरू कर देगा, तो उस केस में सबसे बढ़िया डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म सबसे बेस्ट जो है उस केस में वो है जी आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, डी कहाँ पे, थर्ड में ये, क्योंकि अगर वो अपने आप को वहां से एक बार दूर कर लेना तो गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो एक बार कूट दिया, वाइफ को कूट दिया, बच्चों को कूट दिया, तो वो चीज से वापस नहीं आएगी ना, तो बेटर जो चीज है वो क्या है, डिस्प्लेस, अपने आप को वहां से क्या कर लेना, दूर कर लेना। आगे, मैचिंग करना जिसको ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स है आपके आपके, तो पहला है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये है विड्रॉल, जब एक पर्सन मिजरेबल सिचुएशन से होकर गुजरता है ना तो उसको ये वहां पे आता है बेसिकली, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, जिसके अंदर एक पर्सन थोड़ा मतलब वो होता है मोटिवेटेड होता है, अपने आपको थोड़ा सुपीरियर समझता है, टास्क ऑब्सेसिव, फिर आई एम ओके, यू आर ओके, जब एक पर्सन जो है वो कैसा होता है कि जो जिसका पालन पोषण जो है वो बहुत बढ़िया एनवायरमेंट में हुआ है, कन्फ्रंटिंग, एंड आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो अपने आप को छोटा समझता है, दूसरों को बड़ा समझता है, वो है डिपेंडेंट। तो 33 का जो आंसर बनेगा वो आपका है फर्स्ट। आगे, आपको अरेंज करना था ये बता रखे हैं, माइंस एक्ट 1952 है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961, इनको जो है वो आपस में आपको बताना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था, फर्स्ट टू द लास्ट, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए कौन सी बात जो है सही नहीं है, पहले ये तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहां लगता है, सर ये वहां लगता है जहां पे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर लगाते हैं मैट्रिक्स, तो पहला ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, यस, फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्चर ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसा है क्या, गलत सर, क्योंकि फंक्शनल डिपार्टमेंट तो हमेशा परमानेंट होते हैं, हम फंक्शनल डिपार्टमेंट से मैनेजर्स को लेके आते हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं, और जब प्रोजेक्ट पूरा जाएगा फिर वो दोबारा अपने फंक्शन पे चले जाएंगे, तो आंसर ये सेकंड है, ये इसका जो है वो करेक्ट नहीं है, इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स का ये जो है वो आपका फंक्शन या करेक्टरिस्टिक नहीं है। आगे, मैचिंग दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, डेलीगेशन एक इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द बिहेवियर एनालिसिस, डेलीगेशन जो है वो क्या, एक इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन जो बेस्ड है किसके ऊपर, बिहेवियर पे, मतलब डेलीगेशन में आप जो है वो ये देखते हो कि बिहेवियर के बेस पर डेलीगेशन करते हो, नहीं सर, डेलीगेशन होता है बेसिकली नॉलेज के बेस पर, जब अपने को लगता है कि दूसरा पर्सन काम कर सकता है बढ़िया से, तो ये तो गलत हो गया, बोलता है डेलीगेशन जो है एक इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट प्रोसेस है विच नीड एनकरेजमेंट रिफोर्समेंट, ये बात बिल्कुल सही है, ये इवोल्यूशनरी और डेवलपमेंट प्रोसेस है, क्योंकि जितना डेलीगेशन ज्यादा होगा उतना मैनेजर फ्री रहेगा और वो अपना काम और अपना ध्यान और भी चीजों में लगा सकता है, तो 36 का जो आंसर बनेगा डेट इज द फोर, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है आपका। आगे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो फेओल के 14 प्रिंसिपल है या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनके ये फीचर बता गया, जो फेओल के जो 14 प्रिंसिपल उनके फीचर के पहला फ्लेक्सिबल, क्या फेओल के जो प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबल है, हाँ जी फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यस, प्रिंसिपल रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल, बेस्ड ऑन सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, यस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, 4, ABCD। आगे, मैचिंग करना है, एडवांटेज के इंसेंटिव पेमेंट्स आर, इंसेंटिव पेमेंट कौन सी होती है, पहले तो इंसेंटिव पेमेंट का मतलब फाइनेंशियल, जब आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है उसको बोलते हैं इंसेंटिव पेमेंट, तो बोलते हैं एडवांटेज के इंसेंटिव पेमेंट्स आर, तो यहां पे बता रहेगा फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर द परफॉर्मेंस रादर देन पे फॉर द नंबर ऑफ आवर वर्क, मतलब जब आपको पैसा मिलता है परफॉर्मेंस के बेस पर, ना कि कितने घंटे काम किया उसके बेस पर, यहाँ जो आइडिया होता है ना वो हमारा ये होता है कि हम फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को टू हिट सर्टेन परफॉर्मेंस फिगर और फाइनेंशियल टारगेट, तो आपका एडवांटेज बताना है इंसेंटिव पेमेंट के, क्या एडवांटेज है, पहला इज इन द इंट्रोडक्शन न्यू मशीन, नई मशीन को लाने में ये फायदेमंद होता है, सर नई मशीन का लेना देना है ही नहीं, परफॉर्मेंस से होता है इसका, तो दूसरा बेटर यूटिलाइज इक्विपमेंट, यस, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप इक्विपमेंट को यूटिलाइज करोगे, ठीक है, उतना परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और आपको पैसा मिलेगा, फिर रिड्यूस करते हैं एब्सेंटिज्म टर्नओवर, यस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर पर्सन को पता है जितना वो ज्यादा काम करेगा उतना इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, इंक्रीज स्क्रैप, इसकी वजह से स्क्रैप इंक्रीज होगा, नहीं सर परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो स्क्रैप इंक्रीज नहीं होगा, तो ये गलत है, तो 38 का जो आंसर बनेगा वो क्या, ओनली बी एंड सी, बोले तो सेकंड।
यूज होता है इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू को यूज करते हैं एज ए ट्रेनिंग नीड, जब आपको ये जानना है कि एक पर्सन को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके लिए जब आप उसका इंटरव्यू लेते हो, ठीक है, उसके क्या क्या फायदे हैं। पहला, क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, अगर हम बात करें यस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं पर्सन के पर्सन को देखे, इसको ईजी एनालाइज करना इंटरव्यू के अंदर जो है आप लोगों को ईजी वे में एनालाइज कर सकते हो, नहीं ये बात तो नहीं है। फिर कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज दैट कम अप, यस बिल्कुल सही बात है, कई बार जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें भी हमारे सामने आती है जो हमने पहले सोची भी नहीं थी। लेस टाइम कंज्यूमिंग, सर टाइम ज्यादा लगता है इसमें, तो आंसर जो आएगा 39 का वो क्या आएगा थर्ड। आगे मैचिंग करना है, एक्सट्रोवर्ट कौन सा, एक तो एक होता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, एक्सट्रोवर्ट वो जो लोगों से बात करने में हिचकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, जो थोड़ा बातूनी किस्म का कोई पर्सन हो गया, तो ये कौन है, टॉकटेटिव असर्टिव सोशलेबल एंड आउटगोइंग। कॉन्शियसनेस जो वो कौन होता है, कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये डिसिप्लिन पर्सन जो होता है, हार्ड वर्किंग या फिर ऑर्गेनाइज्ड डिपेंडेंट डिपेंडेबल एंड परसिस्टेंट। इमोशनल स्टेबिलिटी वाले जो लोग हैं वो कौन, ये थोड़े से काम होते हैं, हैप्पी एंड सिक्योर। एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस ये कौन, ये क्रिएटिव नेचर का जो पर्सन है, इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव, ये तो आंसर जो बनेगा 40 का, इट इज अ सेकंड। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा प्राइमरी डिटरमिनेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेन एंड स्पैन होता है, जी बिल्कुल यही तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये तो होता है कि जो चेन ऑफ अथॉरिटी बताएंगे, पावर एंड कंट्रोल होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, लेकिन कैपेसिटी एंड लोअर नीड ये इसका पार्ट नहीं है। देखो ये समझ जाना, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करते हो तो आप ये देखते हो कि कौन किसका सुपीरियर कौन किसका सबोर्डिनेट, तो चेन आप पहले क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, पावर एंड कंट्रोल भी बताते हो, सुपीरियर पे पावर होगा सबोर्डिनेट पावर नहीं होगा, डिफरेंशिएशन भी बताते हो और इंटीग्रेशन भी करते हो, मतलब आप डिपार्टमेंट क्रिएट करते हो, लेकिन कैपेसिटी एंड जो लोअर नीड है ये इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा सेकंड, ध्यान रखना आंसर क्या है इसका सेकंड। चलो जी आगे, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पे आपको जो है वो स्टेजेस देखे ग्रुप डेवलपमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, उसको जो है वो क्या करना है जी आपको अरेंज करना है। तो अगर ग्रुप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, मेंबर जो है मॉडरेटली ईगर होने चाहिए, उनका पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होना चाहिए एंड अबाउट व्हाई दे आर देयर एंड हू अदर मेंबर्स आर, तो सबसे पहले आएगा ई, ठीक है, मतलब ये है कि बेसिकली ग्रुप को अगर डेवलप करना है तो कैसे कैसे उसके स्टेजेस जो है वो क्या करेंगे, तो पहले तो ई हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा जब वो लोग इकट्ठे होंगे, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा रदर देन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यस कन्फ्लिक्ट अगर स्टार्ट होगा तो देन उसके बाद में क्या होगा, मेंबर जो है उसको धीरे धीरे रिजोल्व करेंगे डिफरेंसेस को, यस रिजोल्यूशन करने के बाद में फिर क्या होगा, मेंबर हाईली टास्क ओरिएंटेड होंगे एंड देयर इज अ यूनिटी इन द ग्रुप होगा, यस, और ऐसा होने पर जो है फिर क्या होगा, इट इंक्लूड रिकॉग्निशन होगा और द पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट, यस, इस तरीके से ग्रुप जो है वो क्या होता है डेवलप होता है। 42 का जो है वो आएगा क्या थर्ड। आगे 43, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट और यूजफुल है ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है आपको ये बताना है। पहला, अगर बात करते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट जरूरी है मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, यस, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, हाँ बिल्कुल, मैनेजर को ट्रेन करने के लिए, यस, रिसर्च को इंप्रूव करने के लिए, हाँ ये भी बात है, टू कोऑर्डिनेट करने के लिए मटेरियल एंड द ह्यूमन रिसोर्स, यस, तो 43 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा फोर। आगे 44 बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजेक्शनल लीडर, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन लीडर का करेक्टरिस्टिक नहीं है। पहले तो ये ट्रांजेक्शन लीडर कौन से होते हैं, ट्रांजेक्शन लीडर वो लीडर होते हैं जो ऑर्डर्स को वैल्यू ज्यादा देते हैं एंड स्ट्रक्चर को वैल्यू ज्यादा देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रांजेक्शन लीडर, ठीक है, तो इनमें से बताने की कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है किसका ट्रांजेक्शन लीडर का। पहला, इट गिव पर्सनल अटेंशन ट्रीट ईच एम्प्लॉई इंडिविजुअली, नहीं सर ये तो यही पहला ही हो गया, क्योंकि ये जो है पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड नहीं करते और ना ये हर एम्प्लॉई को इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, ध्यान रखना, तो 44 का ई हो गया। आगे मैचिंग करना है, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और फीचर है, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो जहां इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एबिलिटी होती है टू कंटिन्यू चेंज स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस टू कंफर्म टू फीडबैक विद द एनवायरमेंट, जिसके अंदर आप एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करोगे, तो ए का हो गया थर्ड। ये स्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी होती है, ये स्पेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लेक्सिबल होती है इन द स्ट्रक्चर और लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी है, फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया जो फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल रीअरेंज करती है अपने आप को क्विकली वाइल रिटेनिंग इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ। और नेटवर्क कौन सी है, जिसके अंदर क्या होता है हम लिंक करते हैं जोड़ते हैं सेपरेट पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्किंग ऑफ द सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन टू अकॉम्प्लिश ए कॉमन गोल, तो आंसर जो बनेगा 45 का, इट इज द सेकंड। आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज करते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव पर्पस, किस लिए हम उसको यूज करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूज किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए, यस, कंट्रोल पर्पस के लिए, यस,
रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नहीं सर, इसके लिए हम लोग जो है वो ये यूज नहीं करते, इसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं हमारी अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ओनली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। और अल्टरनेट चॉइस के लिए यस, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वही है जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है, ध्यान रखना वो सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर रही है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। और जो ये रिकॉर्डिंग हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, ये सब होता है किसके, ओनली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर। तो 46 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे 47, यूज ऑफ फोकस ग्रुप, अ फोकस ग्रुप एंड कलेबरेशन टूल एज ए ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेक्निक है द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। फोकस ग्रुप क्या होता है, फोकस ग्रुप का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 10 या उससे कम मेंबर होते हैं, ठीक है, जो इकट्ठे होते हैं क्या करने, डिस्कस करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आइडिया को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सिर्फ इकट्ठे होते हैं, इसको बोलते हैं फोकस ग्रुप। आप इनके जो है वो डिसएडवांटेज बताना है। पहला, फोकस ग्रुप वाला अगर आप बनाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है इसको ऑर्गेनाइज करना, बिल्कुल सही बात है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, अनयूजफुल है जो फोकस ग्रुप है, अनयूजफुल है विद कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू दैट वन पर्सन मे बी अनेबल और विलिंग टू एक्सप्लोर। गलत, बल्कि ये यूजफुल होता है क्योंकि इसकी वजह से हम लोग जो है प्रॉब्लम को शेयर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड टू एक्सप्लोर द अनएंटिसिपेटेड इशू। ऐसा है क्या कि क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं कर सकते, भाई जो ग्रुप होगा वो क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकता है, तो ये भी गलत है। ग्रुप मेंबर प्रोवाइड ओनली इन्फॉर्मेशन दे थिंक दे वॉन्ट टू हियर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रुप मेंबर जो है वो ओनली वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो वो सोचते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं। तो आंसर जो है ए एंड डी, बोल द थर्ड। आगे, स्ट्रेच गोल, स्ट्रेच गोल जो चैलेंज करते हैं लोगों को टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस इन द करंट एक्टिविटी इज नोन है, उसको क्या बोलते हैं। स्ट्रेच गोल का मतलब क्या है, ये वो गोल है जो एक जो मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने में, अचीव करने में डिफिकल्ट टास्क। मतलब ऐसे गोल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या मोटिवेट करेंगे क्या करने में, डिफिकल्ट टास्क को अचीव करने में, तो ऐसे गोल को बोलते हैं स्ट्रेच गोल। और स्ट्रेच गोल जो है वो लोगों को चैलेंज करते हैं जिनकी वजह से एक पर्सन जो है वो हाइयर लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव करता है करंट एक्टिविटी में, उसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेच गोल, क्योंकि वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल डी, थर्ड। आगे जी, ए टाइप ऑफ वैलिडिटी बेस ऑन द शोइंग दैट स्कोर ऑफ द टेस्ट आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। स्कोर जो है वो बेस है किसके ऊपर, जॉब परफॉर्मेंस के बेस पर, उसको बोलते हैं क्राइटेरिया वैलिडिटी। सेकंड, आगे, यूजुअली इन विच, एक ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जिसके अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक सब्जेक्ट सेल्फ रेटिंग, जिसमें एक बंदा जो है वो खुद से रेटिंग करता है, आर नेगेटिवली कोरिलेट विद देयर सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इन द असेसमेंट सेंटर। वो है जी कौन सा, वो है जी आपका सेल्फ रेटिंग बेसिकली। तो 50 का आंसर क्या आएगा, 51। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज लाते हो उसका सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आपको जो है वो क्या करना, अरेंज करना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज को लेके आए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चेंज की नीड क्या है, तो वोकलाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ द चेंज, ये हम देखेंगे डी। चेंज की नीड पता चल गया, उसके बाद क्या करेंगे, डिटेल कंसिडरेशन करेंगे, कंसिडरेशन ध्यान देंगे प्रपोज चेंज पर, ए। देन उसके बाद में हम लोग सर्च करेंगे मेन कोर्स रीजन देखेंगे, ठीक है भाई किस वजह से अपने को चेंज करना है, यस। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ द डिटेल इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेट अप्रोच इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम और इशू, यस। और लास्ट में हम लोग जो है वो फिर क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे वेरियस अल्टरनेटिव एंड द फ्रेमिंग ए प्रपोजल। तो आंसर जो बनेगा क्या बनकर, इट इज अ सेकंड। Which one of the following statement are the advantage of DSS? DSS मतलब decision support system, बताना आपको इनमें से कौन सा इसका advantage है। DSS होता क्या, बल्कि तो decision support system कोई भी एक program या कोई भी एक software जो अपने को help करता है expert को in many field in formulating and supporting the decision, तो decision लेने में जो help करता है, एक ऐसा software जो decision लेने में help करेगा उसको बोलता है DSS। तो बोलता है आपको यहाँ पे बताना, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द एडवांटेज, इनमें से कौन सी एडवांटेज है DSS का। तो पहला, डिफिकल्टी है क्वांटिफाइंग ऑल द डेटा, नहीं, डीएसएस आराम से कर लेगा। जनरेट करता है नए एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन, हाँ बिल्कुल सही बात है, डीएसएस की वजह से जो है वो क्या होगा कि हम नए एविडेंस को भी जो है वो ले आते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं, तो ये सही है। आगे, सिस्टम डिजाइन फेलियर होता है, नो, अनएवरेबल असम्पशन, नो, तो आंसर इसका सेकंड है, पहले से ठीक था। चलो आगे देखते हैं, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ लीडर आर गिवन बिलो, अलग अलग तरह के लीडर का करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है ना, तो पहले ये है क्या, तो अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली जॉन मैक्सवेल ने इसको दिया था, ठीक है, उसने क्या किया, पोजिशन, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट एंड पिनेकल, ये लेवल ऑफ लीडरशिप बताए थे उन्होंने, ठीक है, पांच लेवल ऑफ लीडरशिप उन्होंने बताए। तो पोजीशन में कौन आएगा, जो अथॉरिटी को यूज करता है लीड करने में, ठीक है, मतलब एक पोजीशन लीड इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास में क्या है, पावर है। परमिशन ये बोलता है कि ये डेवलप और मेंटेन करेगा रिलेशनशिप विद द टीम, मतलब एक पर्सन लोगों को लीड करेगा क्योंकि वो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लेगा टीम के साथ में। प्रोडक्शन ये बोलता है ये कंसंट्रेट करेगा इंप्रूविंग द रिजल्ट, पीपल फॉलो करते हैं क्योंकि ये बिकॉज दे
दे थिंक इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है और ये हमको लीड करेगा. पीपल डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो ये बोलते हैं कि इसके अंदर एक पर्सन जो है वो मेंटोर और टीच एंड मल्टीप्लाई अदर लीडर, ये. और जो पिनेकल अप्रोच है वो क्या बोलते हैं, लीडर हाईली रिनाउंड फॉर देयर सक्सेस, मतलब पहले से लोग उनको जानते हैं, बहुत ज्यादा नाम होता है उनका. द वे जिस तरीके से इन विच दे हैव इंप्रूव द लाइन ऑफ अदर एंड द वे इन विच दे हैव इंस्पायर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द वर्ल्ड, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पिनेकल. टोटल मिला के पांच जो है वो क्या स्टेजेस आती हैं. इसके बेस पर आप ये देखो कैटेगरी हमने बना रखी है, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, थर्ड आएगा, देख लेना एक बार. तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मैक्सवेल ने ये जो है अप्रोच को दिया था, ठीक है. इसने जो है वो अलग अलग तरह की लीडरशिप बताई थी और उसके अंदर ये पांच तरीके थे, तो पोजिशन, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट एंड पिनेकल. चलो जी आगे, अगला फंक्शन तो लोअर मैनेजमेंट. लोअर मैनेजमेंट के फंक्शन आपको यहाँ पे बताएं, लोअर मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है. पहला, एग्जीक्यूट करना प्लान इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी एंड डायरेक्टिव ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. जो लोअर मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूट करती है प्लान्स को इन अकॉर्डेंस किसके किसके हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी एंड डायरेक्टिव टॉप मैनेजमेंट नहीं, वो मिडिल लेवल वाला वो देखेगा. तो ये इसका जो है वो फंक्शन नहीं है. मेंटेन करना डिसिप्लिन ऑफ द वर्कर, हाँ ये इसका फंक्शन है. सिलेक्ट द सुटेबल ऑपरेटिंग एंड सुपरवाइजिंग पर्सनल, हाँ जी ये ना सिलेक्टिव करना, सिलेक्टिंग करना, लोगों को सिलेक्ट करना जो सुटेबल ऑपरेटर सुपरवाइजर, नहीं ये टॉप मैनेजमेंट वाले देखेंगे. प्रोवाइड करना ट्रेनिंग वर्कर को, यस. वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वर्कर में डिसिप्लिन मेंटेन करना एंड मेंटेन करना गुड ह्यूमन रिलेशन, यस. ये तीनों इसके काम होते हैं. तो फंक्शन में जो आएगा वो क्या, बी डी ई बोले तो थर्ड. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी बात जो है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रू नहीं है. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपने डिपार्टमेंट क्रिएट करके फंक्शन के बेस पर, ठीक है ना, उसको जनरली बोल देते हैं हम लोग. जैसे प्रोडक्शन का फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स के लिए सेल्स का डिपार्टमेंट, इस तरीके से. तो द फंक्शनल मैनेजर स्पेशलिस्ट होते हैं अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, हाँ जी ये तो होते हैं. कौन से ट्रू नॉट ट्रू ये बताना है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, क्या ये यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर बेस है, नहीं सर. ये सबसे मेन चीज है, वो यूनिट ऑफ कमांड पे बेस नहीं है भाई, क्योंकि फंक्शंस के अंदर क्या होगा, हर लोग अपने हिसाब से काम करता है, अपने फंक्शन के हिसाब से. यूनियन की टॉप ने जो बोल दिया सभी लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं, नहीं. तो 55 का आंसर क्या है, सेकंड. लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको सीक्वेंस के अंदर इसको अरेंज करना है, कैसे कैसे आप करोगे. तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे पॉसिबल सॉल्यूशन, उसके बाद में फिर हम लोग जो है सिलेक्ट करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन को, और उसके बाद लास्ट में जो है फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे डिसीजन को. तो आंसर जो आएगा 56 का वो क्या, 4. आगे मैचिंग करना है. प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्शन जिसमें हम अनएक्सेप्टेबल इंपल्स इन योरसेल्फ ऑन टू समवन एल्स, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, जब आप जो है किसी और के बारे में प्रिडिक्शन लगा रहे हो, ठीक है. रिग्रेशन की अगर बात करें तो रिग्रेशन क्या, जब हम प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे आते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है. रिप्रेशन का मतलब जो है वो क्या, किसी को क्या करना, बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड में कोई पर्सन है उसको रिप्रेस करना, ठीक है, ये आपका पुलिंग इनटू द अनकॉन्शियस. और सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि एक्टिंग आउट अनअसेप्टेबल इंपल्स टू सोशली एक्सेप्टेबल वे, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. तो आंसर जो बनेगा 57 का वो क्या, 3. आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कोपिंग मैकेनिज्म है अगर फियर ऑफ ओवरलोड इज द सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज. तो ये क्या है, इसका सबसे, अगर मान लो फियर ऑफ ओवरलोड लग रहा है ना, तो सबसे बढ़िया चीज जो है इसका, इसको आप कैसे दूर कर सकते हो, ठीक है. अगर कोई पर्सन जो है वो क्या रेसिस्टेंस टू चेंज को जो है वो क्या कर रहा है, मतलब वो आप ना कोई चेंज लेके आना चाह रहे हो और वो पर्सन मना कर रहा है कि भाई हम तो चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है. उसको उसके माइंड में ये डर है कि अगर मान लो चेंज होगा तो उसकी वजह से जो है काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इसको अगर दूर करना तो कैसे करेंगे, आप रोल क्लैरिटी कर दो और डिफाइन कर दो भाई आपका यही काम रहेगा, तो लोगों को जो पता चल जाएगा ना भाई हमारा सिर्फ इतना ही काम है, तो कभी भी वो जो है वो चेंज के लिए रेसिस्ट नहीं करेंगे. तो आंसर जो है वो क्या, सेकंड. आगे, अब है इंसेंटिव स्कीम वेयर अर्निंग डिफर करेंगे एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट आर, मतलब जहां पे अर्निंग जो है वो अलग अलग लेवल के ऊपर जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है. तो ऐसी कौन सी इंसेंटिव स्कीम है, वो है आपका जायंट, रोवन हाउस ब्यूडेक और इमर्सन. इनके अंदर बेसिकली ए में और ई के अंदर जो है वो क्या होगा, ऐसी इंसेंटिव स्कीम है जहां पे अर्निंग जो है वो क्या होगी, अलग होगी एट अलग लेवल ऑफ आउटपुट. तो 59 का आंसर जो आएगा वो क्या, फर्स्ट. आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जो मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए. तो वो है जी आपका केस स्टडी, उसके अंदर आप जो है प्रॉब्लम के बारे में बता दो तो वो आपको जो है फिर आप उनको जो है क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो प्रॉब्लम के बारे में बताने के. आप पहले केस स्टडी दे दोगे, एक केस दोगे, फिर बताओगे ये इस केस के अंदर प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आपसे सोल्यूशन देंगे फर्स्ट. आगे, विच वन आर द फॉलोइंग जनरेशन इज मोर प्रैग्मेटिक इंडिविजुअलिस्टिक, ये तो सिंपल का क्वेश्चन है, जनरेशन एक्स, ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, अकॉर्डिंग टू द प्लथिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी इमोशन,
तो इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी इमोशन नहीं है। तो ये आपके लिए जो है एक होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो आपके हिसाब से क्या है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं मैं, अकॉर्डिंग टू प्रतीक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी इमोशन, इनमें से कौन सा सेकेंडरी इमोशन नहीं है, मतलब वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके जी सर, लो जी ये हो गए 62 क्वेश्चन जो अपने एग्जाम के अंदर आए हैं 2019 से लेकर 2021 तक यूनिट नंबर 6 के, तो ये आपको मैंने करवा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, तो आप बढ़िया तरीके से इनको कीजिए, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट के रहेंगे वो हम करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है। ओके फिर मैं बताऊंगा अगली क्लास के अंदर जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके जी सर, और अपने तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहो, एग्जाम कब होगा इस बात पे फोकस ना करके तैयारी के ऊपर फोकस ज्यादा रखो। ओके जी सर, चलो ये करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।